एक महिला की हत्या के बाद उसके शव के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नशे की हालत में महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब महिला ने इसका विरोध करते हुए उसे काट लिया तो उसने गुस्से में आकर महिला के सिर को 3-4 बार दीवार पर मारा और सिर पर छोटे सिलेंडर से वार भी किया, जिससे महिला की मौत हो गई। आरोपी ने उसके बाद महिला के शव के साथ दुष्कर्म किया। ये मामला देहरादून का है। SSP सरिता डोभाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला के साथ जघन्य अपराध करने वाले आरोपी का नाम राजेश है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेश एक सुलभ शौचालय का कर्मचारी है। रविवार रात रेलवे स्टेशन के पास एक शराब की दुकान पर उसकी मुलाकात एक महिला से हुई थी। दोनों का साथ में शराब पीने का प्रोग्राम बना। आरोपी ने महिला को शराब पिलाने के लिए अपने कमरे पर ले गया, जहां दोनों ने बैठकर शराब पी। इसके बाद आरोपी राजेश नशे में महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने उसे काट लिया, इसके बाद गुस्सा हो गया और उसने महिला के सिर को 3-4 बार दीवार पर मारा और सिर पर छोटे सिलेंडर से भी वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शरीर के साथ रेप किया। सुबह जब आरोपी की आंख खुली और नशा उतरा तो उसने देखा कि महिला मृत पड़ी है। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने शव को कूड़ेदान में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए इलाके के CCTV कैमरे खंगाले और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डेड बॉडी को वहां पर छोड़कर जा रहा है। उसको उसके आइडेंटिफिकेशन करने के पश्चात ये प्रकाश में आया कि यह व्यक्ति राजेश नाम का व्यक्ति है, जो कि थाना राजपुर का रहने वाला है। और इससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने ये बताया कि ये महिला से मिला था, ये शराब के ठेके पर महिला से मिला था, जहाँ पर ये महिला भी शराब पी रही थी। उसके पश्चात ये उस महिला को लेकर के अपने कमरे में आया, जहाँ पर इन्होंने शराब पी और उसके पश्चात इसने इस महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो इसने जो है महिला के साथ दीवार पर मारकर और वहीं पर एक छोटा पेट्रोमैक्स था उससे उसके सर पर जो है वार किया। उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में चली गई तो उसके साथ दुराचार किया। उसके पश्चात जब उसे होश आया तो उसके द्वारा बताया गया था कि महिला की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी डेड बॉडी को वो लेकर के वहां पर कूड़ेदान के पास छोड़ कर आया। इसमें जो है क्योंकि दुष्कर्म के संबंध में बताया गया तो उसमें 376 की आया 376 IPC की भी बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो ये अभियुक्त है राजेश पुत्र मुन्नू, इसकी गिरफ्तारी की गई है और जो घटना में प्रयुक्त सिलेंडर है उसकी बरामदगी की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।